नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र, आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबों ने देखा है, अभी मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ये कल के कॉल लिस्ट का स्क्रीनशॉट है और आप देखिए कि माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में कल एक भी केस को लिस्टेड नहीं किया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे यह भी लिखा गया है कि 24, 25 और 26 तारीख का जो केस छूट गया है उसकी सुनवाई होगी। अब बताइए, यानी 24, 25, 26 में कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी आप लोग जो समझ रहे हैं कि कोर्ट खुल गया है, मेंशनिंग हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो भाई कोर्ट तो खुल गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आज आप लोग को प्रूफ हो गया होगा, दो दिनों से मैं बोल भी रहा था कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो सब लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मेंशन नहीं कराते हैं। अरे भाई, मेंशनिंग की बात आप कह रहे हो, मेंशनिंग हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मेंशन करा दिया। कुछ लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे शुरुआती दौर में कि मेंशनिंग ये लोग नहीं करा रहे हैं। अरे भाई, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा हम लोग सोच के बैठे रहते हैं। आप मेंशनिंग की बात कर रहे हो, मेंशनिंग सोमवार को भी हुआ है, बुधवार को भी हुआ है और शुक्रवार को भी हुआ है। यानी हर एक दिन गैप करके हमने मेंशनिंग कराया है। यानी मेंशनिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मेंशनिंग अलाउ भी हो गया, ऐसा नहीं कि मेंशनिंग अलाउ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि मेंशनिंग अलाउ होकर लिखा भी हुआ था कि हाँ, टू बी लिस्टेड का मतलब होता है इस केस को लिस्ट किया जाए, अर्जेंट मैटर है। यानी जो अर्जेंट मैटर होता है उसको लिस्टेड करने का परमिशन दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब परमिशन हो गया तो फिर सुनवाई हो क्यों नहीं रही है। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि कोर्ट चल ही नहीं रहा है। अंदर खाने की बात आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक हम लोगों को अप्रोच किए कोर्ट के अधिकारी लोगों से, तो हमें जानकारी यही मिल रहा है कि कोर्ट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। कोर्ट में किया क्या जा रहा है कि जितना केस का मेंशनिंग एक्सेप्ट हो रहा है वो सारा ऑफलाइन केस फाइलिंग किया हुआ हो तो उसको सारा डिजिटल करके, स्कैनिंग करके ये लोग डिजिटल फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं। ऐसे हम लोग का तो केस डिजिटल फॉर्मेट में ही फाइल हुआ था और हमने इस बात की चर्चा भी की थी रजिस्ट्रार लिस्ट से कि भाई हम लोग के केस का लिस्टिंग जल्दी कराया जाए। हम लोग तो उन्होंने पूछा भी था कि आपका केस डिजिटल फॉर्मेट में है, तो हमने बताया भी था कि हाँ सर, हमारे केस तो डिजिटल फॉर्मेट में है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि हाँ, जल्दी आपकी सुनवाई होगी, लेकिन तारीख उन्होंने भी नहीं बताया था कि किस तारीख को होगी। लेकिन आज जो मैं लिस्ट देखा हूँ, कल का जो कॉल लिस्ट जारी हुआ है, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूँ कि इस सप्ताह में कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, ना हमको, और ना समझिए कि आप दोष दे सकते हैं सिर्फ कोरोना को। कोरोना के कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है। अब सारे फाइल को डिजिटल फॉर्मेट में बनाएंगे ये लोग, अब कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, उम्मीद करिए कि अब इस सप्ताह में कुछ नहीं होगा, अब अगले सप्ताह में ही कुछ होने की चांसेस है। लेकिन बहुत लोग को लग रहा था कि और लोग का केस कैसे सुनवाई हो जा रहा है, हम लोग का नहीं हो रहा है, तो उन लोग का भी शंका दूर हो गया जब उन्होंने लिस्ट देखा कि आज भी दिया हुआ है कि 24, 25, 26 वाला भी केस का सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग धैर्य बना रखिए, हमसे जो बन पड़ता है अपने पार्ट से हम कोई भी कमी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं कि लोग मेंशन नहीं कराते हैं, तो उनको भी जवाब मिल गया होगा कि तीन तीन बार मेंशनिंग कराया गया है। इसलिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम अपना बेस्ट करेंगे। हाँ, एक सूचना और आप लोग के लिए मैं देना चाहूँगा कि अगली सुनवाई हमारी चाहे जिस दिन हो, चाहे अगली सुनवाई हमारी कल तो खैर नहीं है, मान लो परसों हो जाए, सोम हो जाए, मंगल हो जाए, जिस दिन से कोर्ट फंक्शन करेगा तभी ना सुनवाई होगा। तो जिस दिन से कोर्ट फंक्शन करेगा हमारी सुनवाई होगी, वह अंतिम सुनवाई होगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उसके बाद कोई सुनवाई का डेट नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैं बात भी किया हूँ कुछ लोगों से, अब सब लोग का नाम बताना जरूरी नहीं समझता हूँ किससे बात हुई है और क्या बात हुई है, लेकिन इतना बता देता हूँ अगली सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी, उसके बाद कोई डेट नहीं आएगा। इतना मैं आप लोग को आश्वस्त कर देता हूँ। धन्यवाद।